अलग से हमें LVDS हमें मदरबोर्ड टेस्टर में लगा दिया पैनल का साथ। अभी हम यहाँ पे देखो ऑटो ISP कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ए हमारा देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ओके आ गया। देखिए डियर मोड यूएस कैन VGA पोर्ट, हम VGA पोर्ट से काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा रहा है जो हमारा VGA पोर्ट से काम चालू हो गया, ठीक है, ओके हो गया। इसमें हम दोनों तरीका कर सकते हैं, एक हम रीड कर सकते हैं, एक हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर हम रीड करने कोई फायदा नहीं है। ये सेट अच्छा होता है तो हम सॉफ्टवेयर अच्छा होता है तो हम रीड कर लेता है, नहीं है तो वो डेड है तो वो भी हम रीड कर सकते हैं। पहले कोई सेट है तो उसका प्रोग्राम रीड करो, रीड करो, क्योंकि कोई आदमी तुमको सेट दिया है, हैंग है, चालू होके दूसरा होता है, तुम दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दिया, हो सकता है ऑन नहीं हुआ, तो आदमी वो जो 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 कस्टमर आया फिर आके तुमको बोल सकते हैं हमारा जैसे था ऐसा कर दो, तो उसका जो फाइल है वो तुम्हारा पास बैकअप है, उसको बोलता है बैकअप जो रीड है, तो तुम वो फाइल दोबारा चला के उसका कंडीशन में वो सेम पोजिशन में तुम दे सकते, उसको रिटर्न भी कर सकते, दूसरा दूसरा बात भी हो सकते है। इसलिए कोई भी सेट है पहले रीड करो, उसका बाद सेव करो, उसका बाद राइट करो, ठीक है। सेव करने का टाइम तुम रीनेम भी कर सकते, तुम्हारा हिसाब से मॉडल नंबर का हिसाब से, चाइनीज है तो बोर्ड नंबर का हिसाब से, कंपनी वाला है तो मॉडल नंबर का हिसाब से, चाइनीज है तो बोर्ड नंबर और पैनल नंबर का हिसाब से, रेजुलेशन का हिसाब से तुम सेव कर सकते हैं जहां पे है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे पहले राइट करेंगे, दूसरा यहाँ पे हम LG सॉफ्टवेयर देंगे, नहीं या तो सैमसंग सॉफ्टवेयर देंगे, चाइनीज बोस को हम LG सैमसंग सोनी रिमोट बनाएंगे, लोगो बनाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, ओपन हमको लिखिए, हमको राइट कराना है तो पहले हमको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने का बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करना है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कौन सा ड्राइव है वो आपको सिलेक्ट करना है, राइट कराना है तो, राइट करना है तो पहले आप देख लीजिए, हम बाद में लिखा देंगे अच्छा करके, देख लीजिए पहले। तो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, इसका अंदर सारा से सारा सॉफ्टवेयर है, जो 50 GB सॉफ्टवेयर आपको हम प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग में, उसका यही सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर से हम राइट करके आपको दिखाएंगे, वो सॉफ्टवेयर फुल्ली टेस्टेड ओके सॉफ्टवेयर है, हमारा हम जैसे काम किया वो सॉफ्टवेयर है। तो इसमें देखिए, इसमें है 56U11.2, देखा ये बोर्ड का वही नंबर है, तो ये बोर्ड चाइनीज है, बोर्ड का नंबर से हिसाब से ये हम खोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमको आ गया, देखिए LG रिमोट आ गया, LG रिमोट यहाँ पे सब लिखा है, LG रिमोट, U1 सोनी रिमोट, U1 सोनी सोनी है, सोनी इसमें सेव हो गया, U1 और सोनी, ठीक है। अभी हम राइट करेंगे, इसका अंदर सेव हो गया, उसका राइट करना है, अच्छा वाला आईडी होगा। ये देखो 50% 60% दिखा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। एक ही बात है, हम ऑटो ISP करेंगे, VGA केबल से करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और हम IC उखाड़ के इसमें सॉकेट में डाल के करेंगे तो एक मिनट में 2 मिनट में हो जाता है, तुरंत जल्दी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या है, कर दो वीडियो, ठीक है, पूरा ओके हो गया, देखा पूरा ओके हो गया। आप देखो हम प्रोजेक्टर क्यों दिखा रहे, हम कंप्यूटर में दिखा सकते, लैपटॉप में दिखा सकते, सॉफ्टवेयर जैसे हम करने जाएगा तो आपको क्या है,
आपको अच्छा करके आदमी लोग छोटा मॉनिटर में देखा नहीं जाएगा, इसलिए प्रोजेक्टर लगा दिया जिससे अच्छा बड़ा करके देख रहा है। इसका पकड़ो हम देखा रहे, आपको कोई दिक्कत आ रहा है? और भी प्रैक्टिकल भी देखा रहा आपका सामने में? क्योंकि देखने का छोटा से बड़ा चीज अच्छा लगता है, इसलिए हम प्रोजेक्टर खड़ा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जो हो रहा है प्रोजेक्टर में देखा जा रहा है, सिनेमा स्क्रीन का तरह बढ़िया करके। अब देखिए हमारा सेट पहले सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, अभी ऑन हो गया, सीधा ऑन हो गया। अभी हम एलजी रिमोट, एलजी लोगो, सब कुछ हम दिखाएंगे। यहाँ पे हम तेरह छह सात सात सौ अड़सठ आ गया। देखो तेरह छह सात सात सौ अड़सठ, देखो हाँ मैं ऑफ कर दे रहा है। हाँ एल जी रिमोट है, देखो एल जी का सर्विस रिमोट है, सॉफ्टवेयर दे दिया। अभी देखो हम ऑन कर रहा है, देखो ऑन हो गया, देखो तेरह छह सात आ गया। ठीक है, हम रेजुलेशन भी चेंज हो गया, चेंज हो गया में देखा। अभी देखिए हम सर्विस मोड ओपन करेंगे, तो सर्विस मोड ओपन करने का टाइम इनपुट मेनू, मेनू पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज आ रहा है देखा, तो हमको चाइनीज से पहले इंग्लिश करना है। तो इंग्लिश कहाँ पे है ये देखिए, गियर दिखा रहा है देखा, इसका अंदर सेटिंग है, तो हम गियर का अंदर जाएगा। देखिए गियर उसका वो सेटिंग ओके करेंगे, तो पहले जो ऑप्शन है ये हमारा इंग्लिश है। देखिए हम देखिए इंग्लिश आ गया ऊपर, इंग्लिश ओके कर दे रहा है, तो हमारा इंग्लिश आ गया। अभी हम सर्विस मोड ओपन करेंगे, एक का सर्विस मोड है मेनू 1147, देखो सर्विस मोड खोल गया, मेनू 47। हाँ ठीक है, सर्विस मोड खोल गया, हाँ वो भी हम प्रोजेक्टर में दिखा सकते हैं। ये कैसे क्या है क्या नहीं है देखो, सब बूट का अलग अलग है। खराब खराब ये बताओ। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे जो लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है एक, हमको दो ऑप्शन चेंज करना है। हाँ इधर उधर नहीं है, एक है पैनल कंट्रोल, पैनल एडजस्ट, यहाँ पे लिखा है पैनल एडजस्ट, कभी कभी दूसरा पॉइंट में लिखा रहता है पैनल कंट्रोल, पैनल सेटिंग, एक ही बात है। तब वहां पे फर्स्ट आएगा, देखो पैनल, ये हमारा पैनल कंट्रोल है देखा, उसमें हम एंटर करेंगे खुल गया। यहाँ पे देखो बैकलाइट मैक्सिमम मिनिमम टी आई मैपिंग, हमारा जो 8 बिट है यहाँ पे हम बीट चेंज कर सकते हैं। आपको मालूम है कौन सा 8 बिट है, कौन सा 6 बिट है, कौन सा 10 बिट है, कौन सा 12 बिट है, सब मालूम हो गया, वो पहले ही बता दिया आपको। यूनिवर्सल वोट सेटिंग का टाइम, हाँ तब आप कोई भी पैनल में यूनिवर्सल वोट लगा सकते हो, तो अभी हाँ लगा सकते हो, तो हाँ ठीक है आ जाइए। तो अभी देखिए बीट हम चेंज कर रहे हैं, जो मैपिंग है मैपिंग पिक्चर होता है इसमें, देखो देखो पिक्चर अलग हो गया, जो नेगेटिव नेगेटिव टाइप आ गया। ठीक है 8 बिट का है, 5 पेयर है, 8 बिट कर दिया सही हो गया। ठीक है ये हम एक है, दूसरा देखो यहाँ पे मिरर है, मिरर क्या है पिक्चर उल्टा और सीधी, देखो मिरर ऑफ है हम ऑन कर रहे हैं, देखो ऑन कर रहे हैं, देखो पिक्चर उल्टा हो गया, देखो देखो इधर उल्टा हो गया, इधर आ गया। और भी हम ऑफ कर रहे हैं, देखो देखो सीधा हो गया, तो हम ऑन ऑफ से वो सीधा कर सकते हैं। और भी देखिए और क्या है, देखिए उसको और जो है हमको स्पेशल सेट में जाना है, दूसरा ऑप्शन स्पेशल सेट, देखो ये सेट में एंटर करना है, लोगो सेट करना है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ये देखिए, पावर
ऑन लोगो, द लोगो यहाँ पे ऑफ है, हम लोगो ऑन कर दे रहे हैं। देखिए लोगो ऑफ है, ऑन हो रहा है। यहाँ पे आ गया एल जी, सैमसंग, सोनी, टोशिबा, शार्क, पैनासोनिक, सैमसंग टू, सोनी टू, कैप्चर। हम यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर दिया, एल जी, हमारा रिमोट काम कर रहा है एल जी, हम एल जी लोगो ही रखेंगे। हम दूसरे लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, वो लोगो देखा सकते हैं। हम जैसे एल जी का सॉफ्टवेयर दे दिया, रिमोट एल जी काम करेगा, लोगो अलग हो जाएगा, एल जी काम करेगा। तो हम यहाँ पे दे दिया क्या, एल जी, तो हम रखेंगे एल जी, एल जी रख दिया। हाँ, उसका आप बाद में करेंगे, अभी भी दूसरा एक ऑप्शन है। यहाँ पे देखो पावर ऑन है, पावर ऑन मीन्स क्या है, हम लाइन देने का साथ साथ पावर सेट ऑन हो जाएगा, कस्टमर का एक ही सेट टॉप बॉक्स का रिमोट से वो काम करेगा, दूसरा रिमोट नहीं चाहिए, टीवी का रिमोट नहीं चाहिए, वो हम साउंड आधा बढ़ा के रखेंगे तो उससे चल जाएगा। तो ये भी हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, पावर ऑन और ऑफ। पावर ऑफ कर देंगे तो हर बार हमको रिमोट से स्टैंड बाय करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बंद कर दे रहे हैं, देखो हम फिर से चालू कर रहे हैं। अभी देखो सेट हमारा स्टैंड बाय हो गया, अभी हम चालू कर रहे हैं, देखो चालू हो गया, देखो एलजी लोगो भी आ गया, रिमोट भी काम कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर हम कैसे राइट है ये दिखा दिया, रीड भी हम दिखाएंगे, ठीक है, वो और भी ये भी हम दिखाएंगे आपको, कैसे सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामर से पता चल जाएगा आपका ए आई सी खराब है, इसमें सॉफ्टवेयर हम डालेंगे तो सॉफ्टवेयर ले लेंगे, ऑन नहीं होगा क्यों, वो भी हम डिटेल्स में बताएंगे क्यों। हमारा जो ट्रेनिंग है ये 5 दिन का ट्रेनिंग है और लास्ट डे है, आज लास्ट डे है। हम जो जो बताए आपको पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों मिला तो ना मिला, नहीं बोलिए फुल्ली बेसिक से शुरू करके पूरा हम देने का कोशिश करता है, क्योंकि आप बहुत दूर से आता है इसलिए हर बार आने का खर्चा लग जाता है, इसलिए हम और हमारा पास जो ट्रेनिंग करता है उसको हर साल में हमें जी टू जी रखता है। अभी ये साल में रखा था 2 दिन का, खाना पीना रहना सबके साथ 2 दिन, 3,000 रुपया था, सब चीप रेट में रखता है। और ये भी मैसेज है, हमारा पास पहले कोई ट्रेनिंग कर चुका है, अभी वो करना चाहता है दोबारा, तो उसको हमारा जो ट्रेनिंग का फीस रहता है उसको आधा उसको देना पड़ेगा, रिपीटर जो है उसको आधा है, हमारा ट्रेनिंग जो कर चुका है उसके लिए आधा है, कोई बात नहीं है। तो हम हर टाइम, हमारा पास जो टेक्नीशियन आता है, हम स्टूडेंट बोलता नहीं टेक्नीशियन, क्योंकि जो आता है वो सीख के आता है, ज्यादा अपडेट होने के लिए हमारा पास आता है, तो उसको हम हर टाइम ऐसा कोशिश करते हैं जो अच्छा काम सीख जाए। और पूरा व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट मिलेगा हमारा ट्रेनिंग लेने का पास। हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग कलकाता में है, मार्च लास्ट वीक में है कलकाता में, वो भी 5 दिन का ट्रेनिंग है, आप सीट बुक कर सकते। पूरा ऐसा पावर, मदरबोर्ड, यूनिवर्सल बोर्ड, पैनल, सॉफ्टवेयर पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा, फुल खुद हाथ से आप काम कर सकते हैं, खुद हाथ से मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नमस्ते।